नमस्कार दोस्तों, कार्स केमिस्ट्री के एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, दैट इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस। और जो थंबनेल में मैंने पिक लगाई है वो सेम गाड़ी की है जो गाड़ी मैं ओन करता हूं। तो स्टार्टिंग के फेज में जब मैं गाड़ी सीख रहा था तो उस टाइम पे वो एक्सीडेंट हो गया था, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। कैसे मैंने इंश्योरेंस लिया, क्या क्या मुझे डिफिकल्टीज हुई, क्या मुझे इंश्योरेंस क्लेम में पैसा देना पड़ा, क्या मैंने एनसीबी बचाई। तो जितने भी सारे टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू इंश्योरेंस, जैसे कि जीरो डेप हो गया, एनसीबी हो गई, या और भी जितने भी टर्म्स होते हैं, वो सभी के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है इंश्योरेंस को रिलेटेड, तो इस वीडियो में वो सारा ही डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल वो बनता है, दैट इज आपको इंश्योरेंस कहाँ से लेना चाहिए। इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहिए। काफी कंपनीज हैं, ऑनलाइन आप देख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, तो वहां से इंश्योरेंस लेना चाहिए, या फिर आपने जहां से गाड़ी खरीदी है वहां से आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसा कि मैंने ह्युंडई से अपनी गाड़ी ली है, i20 है ये, तो मैंने कहां से इंश्योरेंस लिया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैंने ह्युंडई से ही इंश्योरेंस लिया। अब ये क्यों लिया, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस क्लेम करवाते हैं तो वहां पे काफी इजी प्रोसेस बन जाती है, इन कंपैरिजन टू जैसा अगर मैंने किसी ऑनलाइन कंपनी से इंश्योरेंस लिया होता, तो वहां पे इंश्योरेंस क्लेम करने में मुझे काफी दिक्कत हो सकती थी। क्लेम करने के दौरान इंस्पेक्शन होता गाड़ी का, इंस्पेक्ट करते मुझसे काफी सवाल पूछते वो लोग। बट यहाँ पे मैंने जैसा कि हुंडई से ही बजाज अलियांज के थ्रू इंश्योरेंस लिया है, तो वहां पे जो प्रोसेस है वो काफी इजी बन जाती है। वो पूरा सरदर्द अब हुंडई का है, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इंश्योरेंस क्लेम लेना है। अब मैंने इंश्योरेंस तो हुंडई से ले लिया, अब यहाँ पे एक जो टर्म आता है इंश्योरेंस के दौरान, दैट इज एनसीबी। एनसीबी आपने सुना होगा, दैट इज नो क्लेम बोनस। अब ये नो क्लेम बोनस है क्या? नो क्लेम बोनस, जैसा कि इसके वर्ड में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है, नो क्लेम बोनस। जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा मोटा या फिर बड़ा, तो वहां पे अगर आप जो क्लेम है वो नहीं करवाते हैं, अपने खर्चे पे गाड़ी को बनवाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नो क्लेम बोनस। अब मैंने अगर क्लेम नहीं किया तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मुझे एक बोनस देगी। बोनस दे सकती है 5%, और ये हर साल बढ़ते रहता है, 5% बढ़ता है। अब मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा भी गया है, इसकी फोटो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। तो सबसे पहले 20% बढ़ता है, दूसरे साल में 25, थर्ड साल में 35, फोर्थ में 45, और फिफ्थ में 50% ये बढ़ जाता है ओडी में, जो आपका ऑन डैमेज है वो उस प्रीमियम में ये आपको 25% बढ़ के मिल जाता है। अब ये आपको कैश में मिलता है या फिर आपके इंश्योरेंस में माइनस हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, इंश्योरेंस में ही ये जो नो क्लेम बोनस है वो माइनस हो जाता है। तो सवाल ये बनता है कि आपको एनसीबी है जो उस बोनस को लेना चाहिए, या फिर जैसे अभी मेरा एक बम्पर का पार्ट था वो ये गाड़ी से डिटैच हो गया था इन एक्सीडेंट, तो मैंने क्या करवाया, मैंने क्या एनसीबी प्रीफर करी इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर, या फिर मैंने गाड़ी बनवाई? तो यहाँ पे मैंने एनसीबी प्रीफर नहीं करी। एनसीबी कितनी बनती मेरी, 2000-2500 या ज्यादा से ज्यादा 3000 बनती, लेकिन जो यहाँ पे नुकसान था वो था 7000 का, तो मैंने एनसीबी नहीं ली और इंश्योरेंस में अपनी गाड़ी बनवाई फ्रॉम द कंपनी। एनसीबी मैं लेके क्या करता, 3000 में बचा के क्या कर लेता? जब मैंने इंश्योरेंस लिया है तो जो उसका प्रॉपर यूज है, जब मेरा एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद मेरी गाड़ी जो है फुली रिकवर हो जाए, नई जैसी कंडीशन में वो बन जाए, तो उसके लिए ही हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो अगर हमने वो ही यूज नहीं किया तो किस बात का। यहाँ पे एक कंडीशन और बन जाती है, जैसा आपको अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे क्या होता है, 1000 रुपीज ये फी फाइल चार्ज आपसे लेते हैं। तो जब आप इंश्योरेंस क्लेम करवाते हैं तो एक ही चार्ज होता है 1000 रुपीज का। अगर मान लीजिए आपका डैमेज गाड़ी का जो है 1000 या 2000 तक है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम ना करवाइए और उसके बदले आप एनसीबी अपनी बढ़वा सकते हैं। तो 1000 रुपीज आपका चार्ज तो पड़ना ही पड़ना है, तो वहां पे अगर छोटा मोटा नुकसान है तो आप इंश्योरेंस करवाने से, क्लेम लेने से बचें, एनसीबी आप वहां पे बढ़ा सकते हैं। तो दो केस बनते हैं, जब आपका नुकसान जो है गाड़ी का 2000 से ऊपर है, या मान लीजिए 3000 भी है, तो आप क्लेम जरूर से लीजिए, क्योंकि आपने क्लेम इंश्योरेंस तब उसी के लिए करवाया है कि आपकी गाड़ी जब डैमेज हो जाती है तो प्रॉपर जो कंपनी के पार्ट्स आते हैं, कंपनी की जो फिटिंग होती है, कंपनी का जो पेंट होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसमें काफी डिफरेंस होता है। अगर आप वही काम बाहर से करवाते हैं आफ्टर मार्केट, तो उन दोनों काम में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि जो एक बार पार्ट टूट जाता है वो फैक्ट्री फिटेड नहीं लगता है, थोड़ी सी उसमें गैपिंग आपको देखने को मिलती है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं,
यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ मैंने इंश्योरेंस में करवाया था, इस साइड आप देखेंगे तो प्रॉपरली ये अलाइन हुआ है, बट अगर दूसरी साइड आप देखते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉपरली अलाइन नहीं हुआ है। तो ये एक कॉन है एक्सीडेंट का, और प्रोज ये है कि प्रॉपर जो इसकी इसका जो पेंट है वो मैच कर रहा है। यही मैंने अगर बाहर से करवाया होता तो बिल्कुल अलग सी गाड़ी यहाँ पे लगती और बिल्कुल शो भी गाड़ी की खराब हो जाती। नाउ गाइस जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहां प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा कि आपका थर्ड पार्टी वहां पे एड ऑन है या नहीं है। तो होता क्या है थर्ड पार्टी में, जैसे मेरी गाड़ी मान लीजिए रोड पे चल रही है, मैं एक बिगिनर ड्राइवर हूं मान लीजिए, तो अगर मैं इन केस मेरी गलती से कोई दूसरा पर्सन हिट हो जाता है या फिर उसकी गाड़ी हिट हो जाती है, तो वहां पे जो भी डैमेज होगा वो बंदा लायबल हो जाएगा उस डैमेज को रिकवर करने के लिए फ्रॉम माय इंश्योरेंस। जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी होगी वो थर्ड पर्सन को एक अमाउंट देगी या फिर उस गाड़ी की रिकवरी करेगी, जो भी नुकसान हुआ है वो यहाँ पे मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो झेलेगी। ऐसा कुछ होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। और ये अगर i20 की मैं बात करूँ तो इसमें पर ईयर 4,000 to 4,500 का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में मुझे अमाउंट देना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं गाड़ी आपकी चल रही है, तो अगर आप प्रो ड्राइवर भी हैं तो वहां पे भी आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी को नहीं हिट करूंगा या मैं तो प्रो ड्राइवर हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गाड़ी आप चला रहे हैं अगर रोड में तो बाई चांस मिस्टेक्स हो जाती हैं और किसी और का भी डैमेज हो सकता है। तो अगर ये डैमेज बड़ा हो गया, मान लीजिए 1,00,000 का हो गया, तो वहां पे जो आपका 4,500 का अमाउंट है वो काफी आपके यूज आएगा। तो आप ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी जरूर से कवर करवा लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं एड ऑन कवरेजेस के बारे में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ एड ऑन कवरेजेस होते हैं अगर आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं, दैट इज ZD, EP, CM, PB और KP। तो इनका जो टोटल चार्ज है दैट इज 4,106, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। आप एड ऑन चार्जेस में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला है ZD। ZD मीन्स जीरो डेप, आपने इसके बारे में सुना होगा। जैसा कोई गाड़ी फुली यहाँ पे क्रैश हो जाती है तो जितने भी पार्ट्स हैं गाड़ी के, वेदर फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल या फिर फ्रॉम इंटरनल, जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे ही पार्ट जीरो डेप में आपके कवर हो जाएंगे। पूरी गाड़ी आपको नई बनके वहां से मिल जाएगी फ्रॉम योर इंश्योरेंस कंपनी एंड फ्रॉम योर जो कंपनी आपने जिस कंपनी की भी गाड़ी ली है। तो जीरो डेप इंश्योरेंस करवाना एक मैंडेटरी है, जितने भी पार्ट्स हैं सभी आपके इस चीज में कवर हो जाते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इस चीज के बारे में पूछा, उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर आप ZD कवरेज लेते हैं तो उसमें जितने भी पार्ट्स हैं गाड़ी के सारे ही फुली कवर्ड हो जाएंगे। 1,000 रुपीज की आपको फीस देनी पड़ेगी और आपका पूरा काम यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से हो जाएगा। जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज EP। अब EP क्या होता है, इंजन प्रोटेक्ट। जो इंजन का डैमेज होता है वो इसके अंडर आता है। इंजन के जितने भी पार्ट्स होते हैं अगर वो इनकेस डैमेज हो जाते हैं, फ्रंट क्रैश होगा तो सबसे पहले इंजन ही डैमेज होगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके जो एड ऑन कवरेज है उसमें EP होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजन के जो पार्ट्स हैं वो भी काफी महंगे महंगे पार्ट्स होते हैं। तो इंजन प्रोटेक्शन के लिहाज से आपको EP जरूर करवाना चाहिए। तो भाई जो नेक्स्ट कीवर्ड है दैट इज PB। अब PB का यहाँ पे क्या मतलब है, PB मीन्स पैसेंजर बिलोंगिंग्स। जैसा कोई क्रैश हो जाता है अगर किसी के साथ और उसके अंदर वहां पे कुछ आपका इम्पोर्टेंट आइटम है, कुछ भी आइटम है, तो उसका भी जो कवरेज है, उसका जो भी प्राइस होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये भी एक मस्ट हैव फीचर है इंश्योरेंस में। अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इन सभी बातों का प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे सी जो अमाउंट है, अगर बाई चांस बाई मिस्टेक ऐसा हो ना, वैसे अगर होता है तो आपका जो भी अमाउंट है वो सेफ रहेगा, आपकी जो भी हार्ड एंड मनी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। और जो लास्ट है दैट इज KP। अब KP मीन्स की प्रोटेक्शन। जो भी की का भी पार्ट होगा, जो भी छोटा मोटा, जो भी ECU वगैरह, जो भी उसमें फिटमेंट्स होंगी, सभी आपकी जो की है वो प्रॉपरली यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करके दे देगी, नई की देगी या फिर जो भी होगा उसको सही करके देगी। तो दैट विल बी ऑल्सो इंश्योर्ड इन दिस इंश्योरेंस प्रीमियम। गाइस अब जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज IDV, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब ये जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो टाइम के साथ डिक्रीज होते रहती है। जैसे आपने नई गाड़ी ली है, अब मैं अपना केस बताता हूँ। जब मैंने फर्स्ट ईयर ये गाड़ी परचेज की थी, जब इसका फर्स्ट प्रीमियम मैंने लिया था इंश्योरेंस का, तब इसकी वैल्यू थी
6,45,905 रुपीज। अब जब नेक्स्ट ईयर मैंने इंश्योरेंस लिया तो वहां पे जो इसकी वैल्यू हो गई वो हो गई 5,43,920। ये डिपेंड करती है एज ऑफ कार में, वैल्यू इन करंट मार्केट, जो भी वैल्यू होती है करंट मार्केट में उस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है या फिर इसकी जो एज है वो बढ़ते जाती है तो जो आईडीवी है वो घटते जाती है। तो आईडीवी आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, जो दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, एक तो एज ऑफ कार पे और एक जो इसकी करंट वैल्यू है मार्केट में उस पे। नाउ गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो। लास्ट में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इंश्योरेंस है उसकी वैल्यू काफी स्टेट्स में कम रहती है और काफी स्टेट में जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो ज्यादा रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? एक तो ये डिपेंड करता है कि आपका आरटीओ किस स्टेट में है। जैसे उत्तराखंड में है, यहाँ कम एक्सीडेंट होते हैं जो इंश्योरेंस की वैल्यू भी कम होगी। जहां जिस स्टेट में ज्यादा एक्सीडेंट्स होते होंगे तो ये लोग बहुत दिमाग से खेलते हैं, वहां पे आपकी जो इंश्योरेंस की वैल्यू होगी, जो अमाउंट आपको देना पड़ेगा, दैट विल बी हायर एज कम्पेयर टू द जहां पे एक्सीडेंट कम होते हैं। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ व्हीकल, किस टाइप की कैटेगरी में वो आती है, 5 सीटर है या फिर 7 सीटर है, 9 सीटर है, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि इंश्योरेंस की वैल्यू उस गाड़ी की ज्यादा होगी एस वी कम्पेयर टू अ 5 सीटर व्हीकल। तो गाइज ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थे मैंने आपको समझा दिए हैं और इसमें अब कुछ भी नहीं छूटा है। अगर कुछ छूटा है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।